तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास SMPS पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये ख़राब SMPS है और इसको चेक करेंगे कि इसमें होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या पार्ट्स लगा है, तो ये हम आपको खोल के दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूँ, ये मेरे पास ख़राब पीस पड़ा हुआ है, तो मैं इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे इसको और देखेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो बस दोस्तों आपको करना क्या, वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा भी स्किप नहीं करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों RO के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप मेरे चैनल पेज पर जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं, जो भी आपको RO के बारे में जानकारी चाहिए आप देख सकते हो और वीडियो पसंद आए तो आप उसे शेयर करना जरूर और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ये SMPS है, तो SMPS का यहाँ पे टेप लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो टेप को यहाँ पे हम खोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले टेप को खोलते हैं, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का टेप लगा हुआ है, तो इस टेप को हटा लेते फटाफट। यहाँ पे देख सकते हो मैं टेप को फटाफट हटा लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने टेप को हटा लिया और यहाँ पे जो निशान पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे निशान है, इस निशान से हम यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको खोल के फटाफट दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा SMPS खुल चुका है और यहाँ पे क्या चीज़ है दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्या है इसमें। तो ये देख सकते हो थोड़ा छोटा सा यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे भी सर्किट लगा हुआ है दोस्तों, इसे किट बोलते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे। और ये इसका ये किट है, किट सिस्टम है, तो ये किट के द्वारा ही चलता है दोस्तों, ये जो वर्क करता है वो किट के द्वारा ही वर्क करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सप्लाई होता है, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है 24 वोल्ट का, ये सप्लाई है, यहाँ पे 24 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है, यहाँ पे ये देख सकते हो सप्लाई दे रखा है। और साथ के साथ यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा वायर का कनेक्शन है, यहाँ पे जो हम वायर लगाते हैं प्लग में यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे वायर का कनेक्शन किया हुआ है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, ये देखो। तो इसमें ख़राब क्या होता है वैसे तो दोस्तों मुझे कन्फर्म नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा चेक करके को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसमें ख़राब क्या होता है। तो बस एक बार वीडियो पर बने रहना, तो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, मैंने अभी इसे चेक करा है, अभी सीरीज बोर्ड में लगा के चेक करा है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, इसमें शॉर्ट हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट आप देख सकते हो इसमें शॉर्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे इस पॉइंट को हटा के और यहाँ पे डायरेक्ट करके देखता हूँ इसको, यहाँ पे इसको हटा के और डायरेक्ट करके देखता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने जब लगाया तो यहाँ पे इसका लाइट जलने लगा, SMPS में लाइट आ गया था और इसके कारण ये यहाँ पे शॉर्ट हो गया उसके बाद, तो ये शॉर्ट है पॉइंट, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ और इसको हटा के देखता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पे इस आयरन की मदद से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे ये ख़राब है सर्किट, तो इसको मैं आयरन की मदद से यहाँ पे निकाल लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आयरन की मदद से मैंने इसे निकाल लिया इस पॉइंट को, अब यहाँ पर मैं वायर को डायरेक्ट जोड़ के देखता हूँ, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर हमें मुझे करना क्या होगा, ऐसा वायर लाना पड़ेगा, ये मेरा सर्किट है, ये ऐसा सर्किट मुझे फिर लाना पड़ेगा मार्केट से, फिर मैं इसे चेंज करके देखता हूँ दोस्तों। यहाँ पे पहले मैं वायर को डायरेक्ट करके देख लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा दोस्तों यहाँ पे शोल्डर वायर कर देता हूँ, मैंने वैसे तार को जोड़ दिया यहाँ पे। तो ये मैंने शोल्डर वायर कर दिया और देख सकते हो मैंने इस तार को जोड़ दिया यहाँ पे, आपको दिखा सकते हैं, देखो ये येलो कलर का तार मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया। अब चेक करते हैं इसे जला के दोबारा से कि लाइट आता है कि नहीं आता। फाइनली दोस्तों मैंने इसे चेक तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे इसके दो IC ख़राब थे, यहाँ पे ये देख सकते हो छोटे छोटे दो IC ख़राब हैं, ये दोनों शॉर्ट हो रखे, इसकी वजह से हमारे SMPS में लाइट नहीं आ रहा और उसकी वजह से ये वर्क नहीं कर पा रहा था। तो ये तो मैंने चेक करके वैसे खोल के देखा था और चेक करके बताया, वैसे मैं SMPS अभी ठीक नहीं कर रहा, जब करूँगा तो मैं आपको इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा दोस्तों। तो ये हमने खोल के चेक करा कि SMPS में होता क्या है और क्या मतलब ख़राब होते छोटी मोटी चीज़ें, मैंने आपको जानकारी बताई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।